आज हमारे साथ एक पोपट हो गया है, हम घर जा रहे हैं वापस। और वापस क्यों जा रहे हैं? आज भी दिन अपने गले में ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो डाल लिया। कैसा लगा जी? कंफर्टेबल है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज विधि हो गई तैयार, लिया है विधि लेकर के जा रही है आज। इसका नाम लिखा हुआ है विधि ढाका और ये लेके जा रही है कार, बाइसिकल और बाइक, ट्रक, ट्रेन, जीप, बस, स्कूटी, बस और ट्रैक्टर और फायर ट्रक। और भाई ओहो भाई आप फुल गिरा दिए सारे के सारे। शूज ढूंढना अपने टॉर्च से, शू रैक में शू रखे हैं लेकिन टॉर्च से ढूंढेंगे। विधि का हो गया बैग तैयार और विधि ये खड़ी टॉर्च लेगी। रेडी? यस यस। विधि चली भाई स्कूल और हम भी चले स्कूल। स्कूल जा रहे हो आप? मौसम कितना बेहतरीन और एकदम अच्छा है, मस्त वाला जबरदस्त। आज दिया हुआ था कि अनुमान है कि बारिश होगी और हुई। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, ठंडा ठंडा माहौल है। और आज देव रहेगा छुट्टी, बाजू की तबीयत थोड़ी वीक है, आज भी नहीं जाएगी। यस नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और रात को बुखार भी दी को भी था और मास्क बैग में, मेरे मास्क सारे यार। ओके ओके, मेरे बैग में मास्क है। और आपकी कैप कहाँ है? कैप भी बैग में है, मैम ने ले लिया था। आज हमारे साथ एक पोपट हो गया है, हम घर जा रहे हैं वापस। और वापस क्यों जा रहे हैं? आज भी दिन अपने गले में ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो डाल लिया। और जो है हम क्या, अब बैग नया तो हम के बैग घर में लो और हम घर जा रहे हैं। और भाई अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि रिधि का बैग रह गया है घर। बैग का भी ध्यान नहीं रख सकते बेटा आप? आपने लिया था पापा। अच्छा, पापा की गलती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। क्या करें, बैग रह गया इसे याद ही नहीं था। लो जी भाई बैग आ गया रिधि का और हम चले। सर फिर से गंदा हो गया, ट्रैफिक ज्यादा हो रहा। रिधि चली तो गई लेकिन अपने टाइम के अकॉर्डिंग काफी लेट हो गई आज वो, क्योंकि पहले तो वो भूल गई बैग, उसके बाद में फिर जब पहुंचते हैं तो भाई उसके बाद हो गया था गेट बंद। और गेट बंद होने के बाद में कोई एंट्री नहीं थी स्कूल के अंदर। और अभी मैं भी चल पड़ा हूँ विधि को छोड़ करके और विधि जा चुकी स्कूल। दिन पहले कहीं गया था कल परसों, तो ये देखो गुलर किसी पेड़ के नीचे खड़ी करी थी, गुलर गुलर, और एक मच्छर का या मक्खी। रिधि ना आते ही साथ आइसक्रीम पे जोर दे के मुझे आइसक्रीम चाहिए, इसके बगैर मैं घर नहीं जाऊंगी। गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है भाई, हाँ लेकिन जाम जरूर मिलेगा उसकी भी सोच के थोड़ी टेंशन हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी बारिश की। ओ भाई भाई मेट्रो पिलर का फ़ायदा देखो, ये लड़के खड़े हुए हैं और वो सामने भी आपको दिख रहे होंगे। सारा का सारा ट्रैफिक जो नॉर्मल है मेट्रो स्टेशन का, ये फ़ायदा जरूर है भाई कहीं पर भी हो। ये सामने भी जितने पेरेंट्स वगैरह जो बच्चों को लेकर के आए हैं या जो भी हैं सब ऐसे ही हैं। और कोई कोई अपनी गाड़ियों पर तरपाल वगैरह डाल रहे हैं बारिश की वजह से, कि इनका माल ख़राब ना हो। भाई क्या बुलक 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 पानी निकल रहा है मेट्रो के अंदर से, टायरों में से। और भाई यहाँ लगा है ऊपर से झरने बह रहे हैं, एक तो वाटरफॉल आ रहा है मेट्रो का। और यहाँ अभी गाड़ी में आवाज़ आएगी पाटा पाटा जा रहा होगा, तो भाई वो तो सारा का सारा पानी टेम्पो के अंदर ही होगा। आगे है लाइट और जाना है राइट। आज आए हैं ओकाया के शोरूम बैठरूम। क्या हुआ? देव के लिए ले रहे हैं भाई स्कूटी। ये तो बुक है, इधर आ जाइए, उस पर बैठ जाओ, उस पर कलर भी अच्छा लग रहा है ना। कैसा लगा जी? कंफर्टेबल है। हाँ, साइकिल तो तेरे को आती नहीं चलानी? आती है, आती है। दो स्पीड में चला सकते हो तो, लेकिन कैसी लग रही है जगह से? ₹100 पापा ये इसलिए
कैसी लगी? मस्त लगी, मस्त। कैसी है? बढ़िया है, बढ़िया है। देख ली, चलें? यहीं रुकेगा? आ जा भाई, फाइनली स्कूटी तो देख ली, पसंद भी आई और चलें। भागो 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 भागो, गो। भाई बहुत जबरदस्त बारिश। भाई फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से, और फिलहाल में हमें देख ली है ओकाया की स्कूटी थी यहाँ पे। अरे देव डाका जी, ये तो भाई उतरना ही नहीं चाह रहा था, इसका तो मन कर रहा था यहाँ से स्कूटी ही लेकर के चले। और बारिश है ताबड़ तोड़, बहुत पावा लग रही है, बहुत है भूख, हुक्का बना हुआ भाई, हुक्का। आजकल की जनरेशन की पहली पसंद हुक्का। भाई सभी ने अपनी गाड़ियों को यहाँ लगा दिया है, और जो कि हमें मुड़ना है, मुड़ने में प्रॉब्लम होगी। जाम ही जाम, जाम ही जाम, और बरखा चल रही है। भाई जो बैटरी वाली स्कूटी देखी उसमें अंदर दो क्वालिटियाँ बताई, एक पहली थी जिसमें की कीमत थी 1,18,000 के आसपास ओकाया की, और क्यों उसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। दूसरी के अंदर जो नॉर्मल थी, क्योंकि उसकी स्पीड भी 60-70 के आसपास थी, और जो नॉर्मल थी 75,000 वाली उसके अंदर कोई सब्सिडी नहीं थी। ओहो हो, कोई सब्सिडी नहीं थी, और भाई वो 25 की स्पीड में चलते जिसमें लाइसेंस, इंश्योरेंस, हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक साइकिल की स्पीड से चलती है। और जो वो अपनी दिखाई थी अंदर, हेलमेट, इंश्योरेंस सब कुछ चाहिए भाई, नंबर प्लेट्स वगैरह सब आएगी, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट उसको हर चीज़ अलाउ करती है, उसके ऊपर इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, RC जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसका, और उसको चलाने वाले के पास भी लाइसेंस होना ज़रूरी है। बस दुनिया भर का जाम लगा हुआ, साउंड ही साउंड आ रही है। और देखो मेट्रो स्टेशन का ही बेनिफिट है भाई, सारे में पार्किंग बना दी, और इधर भी देखो ये सारे में पार्किंग ही पार्किंग नज़र आ रही है आपके सामने। क्या बात है भाई, सच बता रहा हूँ मैं तो थोड़ा लेट हो गया, अगर घर पर होता ना नहाता जरूर। भाई आज बारिश है ना, मानने वाली नहीं है, बहुत ताबड़ तोड़ काम करेगी, जितने दिन की कमी थी वो आज लगता है मुझे पूरी हो ही जाएगी, और लगातार बारिश हो जमा जम। सामने है महादेव जी, बोरे बारिश को देखो, इस बंदे ने सबको रोक दिया रॉन्ग साइड आकर के। भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है दोबारा, क्या है मम्मी तो होगी तो। ओ भाई भाई पानी देखो, ये बात, ओ भाई साहब पानी देखो भाई, जब भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई पापा हमको भी पता गाड़ी डूब गई ना, गाड़ी चली गई, बेचारे डूब गए। मन्नत सीधा जान दे, अरे मन्नत सीधा जाना है भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रोड के ऊपर जाम इतना था, अगर गली के अंदर बांट दी तो सामने दिख रहा होगा आपको वो, यहाँ पे बुरी गाड़ी इस मकान में से बाहर निकली है, अब वो जाएगी फिर ये घुसेगी क्या आएगी पता नहीं। भाई बंदर यार इसी गाड़ी से चले जाते हैं, एक से ही बंदे ने गाड़ी निकाली, अब उसने यहाँ ला के खड़ी कर दी यारी सामने, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब ये रही सामने, अब इन्होंने यहाँ सारी जगह जाम लगा दिया है, अंकल जी भी आ गए। इस बंदे ने गाड़ी वहां से निकाली हर रोड पे खड़ी करने के लिए, हमने जान दे भाई। लो भाई फाइनली निकले बाहर, काफी मुसीबतों के साथ।